जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। आप सभी एडी लाइव परिवार सदस्यों, सब्सक्राइबर और व्यूवर को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे देश को गणतंत्र तमाम महान नायकों के बलिदान के बाद मिला है। हमें उन बलिदानियों के संदेशों को मानकर और उन पर चलकर हमारे गणतंत्र को मजबूत करना चाहिए। देखते रहें एडी लाइफ। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश श्रीवास्तव, प्रभारी उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस सूचना का अधिकार, चीफ एडिटर एडी लाइव। दोस्तों, आज देश का 74वां गणतंत्र दिवस है। इस 74वें गणतंत्र दिवस की समस्त कानपुर वासियों, उत्तर प्रदेश वासियों, झारखंड वासियों, बिहार वासियों, पूरे भारत वासियों को, एडी लाइव के तमाम व्यूवर्स को, तमाम सब्सक्राइबर को, एडी लाइव के लगभग 60,000 व्यूज को और देश की तमाम जनता को हम 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। दोस्तों, आज हमारा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, इस गणतंत्र को लाने के लिए देश के तमाम रास्तों से लोगों ने संघर्ष का रास्ता अपनाया। क्रांति के माध्यम से लोगों ने गणतंत्र के लिए एक अहम प्रयास किया, तो अहिंसात्मक तरीके से भी इस गणतंत्र के लिए तमाम संघर्ष हुआ, तो साथ में तमाम ऐसे लोग भी गणतंत्र बनने के पहले पैदा हो चुके थे, जिन्होंने उस समय से लेकर अभी तक गणतंत्र को कमजोर करने का काम किया, गणतंत्र को तोड़ने का काम किया, हमारे संविधान को बार बार खंडित करने का काम किया, लेकिन हमेशा सच की जीत होती है और हमारा गणतंत्र, हमारा संविधान मजबूत और मजबूत होता चला गया। आज हमारा देश ऐसे कुछ लोगों के हाथ में जा चुका है जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से गणतंत्र को कमजोर करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। समस्त देशवासियों को निवेदन करना चाहेंगे कि हम सब इस गणतंत्र के महापर्व को मात्र एक पर्व के रूप में न मना करके इस गणतंत्र के लिए अपनी कुर्बानियों को देने वाले, अपनी शहादतों को देने वाले, अपनी बलिदान को देने वाले या संघर्ष करने वाले उन तमाम महावीरों के, महासपूतों के संदेशों को अपना करके हमारे देश के गणतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम गणतंत्र के मूल उद्देश्यों पर चल करके गणतंत्र की मजबूती के लिए काम करेंगे, तभी गणतंत्र के लिए सच्ची बधाई और शुभकामनाएं होंगी। तो दोस्तों, एक बार पुनः हम सभी से निवेदन करते हैं कि देश के गणतंत्र को मजबूत करें और हमारी तरफ से समस्त देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय। नमस्कार दोस्तों, मैं राधा देवी, अध्यक्ष वार्ड 95 यशोदा नगर पश्चिम कांग्रेस कमेटी, आप सभी देशवासियों को 74वीं गणतंत्र दिवस पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा इसी तरह हम सभी की इच्छा है कि सभी लोग मिलके इस पर्व को मनाएं। जय भारत, जय कांग्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश मौर्य, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस सूचना का अधिकार विभाग, इस 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय।
नमस्कार दोस्तों, मैं कासिम अली, जिला चेयरमैन, कानपुर नगर ग्रामीण, सूचना का अधिकार। मैं कानपुर नगर ग्रामीण, उत्तर प्रदेश, भारतवासियों को सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए एक संदेश देना चाहता हूँ कि जैसा ये गणतंत्र दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया, ऐसे ही गणतंत्र दिवस पूरे हिंदुस्तान में हर साल मनाना चाहिए। आप सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सतीश कुमार सैनी, जिला चेयरमैन, कानपुर दक्षिण, सूचना का अधिकार विभाग से सभी देशवासियों को पुनः बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आज गणतंत्र दिवस के अवसर को हम सभी लोग मिलके हर वर्ष पुनः मनाते रहें, यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत। मैं ईशानी श्रीवास्तव, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।